अगर हमारे विधायक करप्ट होते तो 10 करोड़ की पहली किस्त ले चुके होते, पर विधायकों ने पहली किस्त नहीं ली। विधायक करप्ट होते तो ले लेते, इनको तो कोई कहने वाला भी नहीं था, कोई पूछने वाला भी नहीं था। जिन्होंने लिए होंगे उन्हें कोई पूछ रहा है क्या? ये बयान सीएम अशोक गहलोत द्वारा दिया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, अगर हमारे विधायक करप्ट होते तो सियासी संकट के वक्त जो 10-10 करोड़ रुपए मिल रहे थे वो ले लेते, वो नहीं छोड़ते। भला 10 करोड़ रुपए कौन छोड़ना चाहेगा? आरोप लगाना बड़ी आसान बात है कि विधायकों ने करप्शन बहुत किया, लेकिन आजकल जमाना आरोपों का ही है और आरोप आप किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं। सरकार बचाने वाले 102 विधायकों को टिकट देने के सवाल पर गहलोत ने कहा, कुछ लोगों को शिकायत हो सकती है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि सर्वे में किसका नाम आएगा, और जिसका नाम आएगा उनका क्या होगा मैं ये भी नहीं जानता। मैं बस इतना मानता हूँ कि सभी विधायक करप्ट नहीं होते हैं, हमारे जो काम होते हैं विधायकों के जरिए होते हैं। आज हमारे कामों की हर तरफ तारीफ हो रही है, विधायक जनता से जुड़े हुए हैं। आगे गहलोत ने कहा, आज राजस्थान देश भर में चर्चित बन गया है। आज देश में मैं खुद चर्चा में हूँ, मेरी सरकार चर्चा में है, कांग्रेस चर्चा में है, और इस चर्चा का श्रेय जाता है जनता को। वही दूसरी ओर सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, बीजेपी वाले हिंदुत्व की बात करते हैं, हम हिंदू नहीं है क्या? जब जनता कहेगी कि हिंदुत्व पर तो ये सरकार लगातार काम कर रही है, तब बीजेपी वाले क्या कहेंगे? बीजेपी खाली बातें करती है और काम हमारी सरकार कर रही है। गायों के लिए हमने 3,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया, मंदिर बनवाने के लिए हमने बजट दिया। बीजेपी वालों के पास केवल ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई ही बची है। जनता बीजेपी वालों का साथ नहीं देगी, जनता हमारा साथ देगी, क्योंकि हमारी सरकार ने काम किया है। आगे गहलोत ने कहा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी राजस्थान में सरकार गिराना चाहते हैं, लेकिन गिरा नहीं पाएंगे। राजस्थान का औरा देश भर में अलग तरह का बन गया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकारें गिरा दी गई, लेकिन राजस्थान में ये लोग सरकार नहीं गिरा पाएंगे, क्योंकि अगर जनता हमारे खिलाफ होती, अगर जनता का रुख हमारे साथ नहीं होता, तो हमारी सरकार नहीं बचती। वही आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत कल मंगलवार को दोपहर करीब 2 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। इससे पहले उन्होंने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की और कहा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पैसे लिए होंगे, वहां पर तो 35-35 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगे थे। अब आप बता दीजिए कि उन लोगों से कोई क्यों कुछ नहीं पूछता? यही मालूम पड़ता है कि किसने क्या किया और किसने पैसे लिए। डेमोक्रेसी खत्म करने का ये बड़ा खेल यहाँ हो रहा है। आखिरी में गहलोत ने कहा, जनता राजस्थान की सरकार की परफॉर्मेंस स्कीम्स को लगातार देख रही है और इन सब के आधार पर ही जनता हमारी सरकार को वोट देगी। सरकार की ऐसी योजनाएं सिर्फ राजस्थान में ही है और कहीं नहीं है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज। मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।